हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले मार्केट ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं, जहाँ पे यूएस मार्केट्स में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी ऑन फ्राइडे को। वहाँ पे टेक स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके वजह से हमने तेज़ी देखी। और एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, टेकिंग क्यूज फ्रॉम द यूएस मार्केट। बट जापान के जो यूएस जीडीपी नंबर सॉरी जापान के जो जीडीपी नंबर आए हैं वो थोड़े से वीक आए हैं, जिसके वजह से जो गेंस हैं वो थोड़े बहुत कैप है। बट हम इंडियन मार्केट्स की हम बात करें तो एसजेएक्स निफ्टी एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 18,200 के आसपास ओपनिंग की इंडिकेटर दिखा रहा है कि 18,200 के आसपास हम खुलेंगे। ये मैंने फ्राइडे को एक मॉर्निंग में वीडियो कहा था कि अगर लगातार दो दिन हम 18,150-200 के ऊपर हम क्लोज देते हैं तो ट्रेंड चेंज हो सकता है। वो आज शाम को या कल सुबह ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये जो 6-8 दिन से जो वॉलेटाइल मार्केट था, थोड़ी बहुत गिरावट थी, उसको नेगेट करके फिर से ये पॉजिटिव होता है या नहीं होता। तब तक हम देखेंगे कि FIIs के फ्लोस कैसे हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अभी। तो बात करें तो निफ्टी की 18,200 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ। और अभी सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 17,900 का। बाकी इंडाइसेस की बात करें तो ब्रेंट क्रूड वो थोड़ा नीचे आया है, $81.66 पर बैरल, तो ये अच्छी चीज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। गोल्ड ये लगातार ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, 1862 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। रुपी 74.37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। FIIs ने खरीदारी की है फाइनली जाकर ऑन फ्राइडे, विच इज़ 511 crores, और साथ साथ DII ने भी अच्छा खासा साथ दिया है विद 851 crores का। 10-year G-Sec की हम बात करें तो 10-year G-Sec थोड़ा सा yield ऊपर आया है, वो फिर से अभी 6.36 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैं कह रहा था कि निफ्टी 18,200 एक इम्पॉर्टेंट नंबर रहेगा, उसके ऊपर दो तीन दिन अगर लगातार हम सस्टेन कर रहे हैं तो हम 18,400 और 500 की तरफ जाएंगे, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल होगा और ये जो शॉर्ट टर्म वीकनेस थी उसको निगेट करके फिर से हम पॉजिटिव ट्रेंड पे जा सकते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा नेक्स्ट आज और कल हम कैसे ट्रेड करते हैं। दूसरे एक दो न्यूज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। तो क्रिप्टो करेंसीज पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही है गवर्नमेंट के मेंबर्स के बीच में, जहाँ पे एक कंसेंसस अभी भी नहीं बना है कि कैसे इसको फॉरवर्ड करना है। क्रिप्टो का एक बिल वो लाना चाहते हैं, उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, तो उस पर डिस्कशन चल रही है, बट कंसेंसस अभी तक नहीं बना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो मैं हमेशा और फ्राइडे को भी मैंने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी इट इज़ एट अ स्टेज जहाँ पे एक सब्सटैंशियल ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5-10 years दिखेगा। ये मैं नेक्स्ट 1 महीने या 3 महीने या 6 महीने का पर्सपेक्टिव नहीं ले रहा हूँ, ये खास करके उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म फॉर द नेक्स्ट 3 months 6 months। सो इंडियन एक जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स पुट टुगेदर ये लास्ट क्वार्टर में वो थी 2.4 trillion rupees। ये बेस्ट एवर क्वार्टर नेट प्रॉफिट रहा है इंडियन कंपनीज का। तो ये एक दर्शाता है कि इकोनॉमी अच्छे से रिकवर कर रही है और आगे चल के भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ रह सकती है। नाउ फ्राइडे की हम बात करें तो मैंने चार पांच स्टॉक्स ऐसे दिए थे जो कि आपको लेके चलना चाहिए, और देखिए परफॉर्मेंस में आपको जस्ट बताना चाहता हूँ। दिव्यानी इट वाज अप बाय ऑलमोस्ट लाइक 12-13% और फाइनली क्लोज होते होते भी 10 से 10.5% ऊपर था। चोला इन्वेस्टमेंट्स वॉज अगेन आप ये अच्छा खासा एक नया 52-week हाई बनाया इसने, 665-666 का इसने हाई बनाया और करीबन 662 पे क्लोजिंग आई है। GAEL मैंने मेंशन किया था 176 पे, उसका फ्लैट क्लोजिंग आया 177 पे। उसके साथ साथ मैंने दो मेटल स्टॉक्स भी बताए थे, वो थे NMDC और हिंदुस्तान कॉपर, वो ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लैट क्लोज हुए, उसमें कोई ज़्यादा हमने एक्शन देखा नहीं, बट दो तीन स्टॉक्स थे जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस किया। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक्स आपको रखना चाहिए। दिव्यानी
मैं टारगेट अभी फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ इसका। अगर फिर से कोई मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लेना चाहता है तो एटलीस्ट 200 टारगेट लेके चल सकता है। अब मैं आता हूँ आज के तीन स्टॉक जो इंट्राडे बेसिस पे आपको ट्रेड करना चाहिए, और मेरा आज का फोकस रहेगा फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज एंड फाइनेंशियल्स और इंफ्रा रिलेटेड। सो तीन स्टॉक्स वो होंगे आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद, थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद ये रेडी है फॉर द नेक्स्ट अप मूव। सो 776 का क्लोज आया है, वी आर लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 790, 795 एंड 805। ये पहला स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। इसके बाद हम जाएंगे एनबीएफसी में, जहाँ पे हम हाउसिंग फाइनेंस पे फोकस करेंगे और स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3002 का इसका हाई था, 2992-2995 के आसपास क्लोजिंग आई है। ये रेडी है फॉर द नेक्स्ट 30-50 रुपीज़ मूव। सो हमारा टारगेट रहेगा 3030 एंड 3050 एंड फाइनल टारगेट इज 3100। अगर ये हो सकता है तो आज ही हो सकता है, ये आपको लेके चलना चाहिए फॉर द इंट्राडे बेसिस। इसका स्टॉप लॉस अगर आपको लेके चलना है तो 1% का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक है एलएनटी। एलएनटी ये है 1960 के आसपास क्लोज आया है, रेडी है 2000 का टारगेट अचीव करने के लिए। सो 2000 पहला टारगेट होगा और 2015 का नेक्स्ट टारगेट होगा, ये आपको लेके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1939 का। सो ये तीन स्टॉक्स हैं जो आप देख के चल सकते हो और बाइंग कर सकते हो। काफ़ी अच्छे लॉन्ग लार्ज कैप कंपनीज हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट मार्केट के माहौल के हिसाब से, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और एनबीएफसीज और फाइनेंशियल्स लास्ट 3-4 दिन में अच्छी खासी वीकनेस दिखा रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है इसका रिवर्सल अगर होना है तो बैंकिंग को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। और जो दो स्टॉक्स मैंने मेंशन किए हैं, एचडीएफसी लिमिटेड एंड आईसीआईसीआई बैंक, ये दो स्टॉक्स आप लेके चल सकते हो। चार्ट्स में बहुत अच्छे लग रहे हैं, कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। सो ये तीन स्टॉक्स हैं, आप खरीद सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिए, और आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करेगा अच्छे और वीडियोस बनाने के लिए और नई चीज़ें लाने के लिए। तो प्लीज़ मैसेज कीजिए अगर आपका कोई मैसेज है या आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।